मौत हुई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। तो लगातार जिस तरह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, प्रशासन इसको सजगता से नहीं दिखाई दे रहा है। बस ड्राइवर मौके से फरार है और पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। किचड़ी थाना क्षेत्र के झांसी बरेली मार्ग पर यह हादसा हुआ है। हादसे में एक युवक की मौत हुई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। एक बार फिर से बस ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हुआ है। रोडवेज बस ने किशनी थाना क्षेत्र के झांसी बरेली मार्ग पर एक बाइक टक्कर मारी जिससे एक की मौत हो गई और दूसरा भी गंभीर रूप से घायल है। तो अयोध्या से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने केंद्र सरकार से की है मांग। बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से आपको बताते हैं। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में गोरक्षकनाथ पीठ के पीठाधीश्वर को करे शामिल, तो ये केंद्र सरकार से अपील की है। और राम मंदिर आंदोलन में गोरक्षकनाथ पीठ ने निभाई थी अहम भूमिका और ट्रस्ट ने दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करना गलत बताया। तो इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी ने केंद्र सरकार से की है मांग। तो राम मंदिर ट्रस्ट निर्माण में अब एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। गोरक्षकनाथ पीठ के पीठाधीश्वर को शामिल करने की मांग रखी है। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ई गन्ना ऐप का शुभारंभ किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की, जहां पर शुभारंभ हुआ है ई गन्ना ऐप का। तो लखन्ना किसानों के लिए एक बार नया जो है वो एक सरकार जो है लगातार उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी की बात भी देखने को मिल रही है। तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर ई गन्ना ऐप का सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उद्घाटन कर रहे हैं। और अब प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा स्वागत संबोधन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभारंभ अनुरोध के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री संजय भूसरेड्डी जी। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, गन्ना मंत्री जी, गन्ना राज्य मंत्री जी, मुख्य सचिव साहब और आईआईटी साहब, मैं किसान भाई लोग जो यहाँ एकत्रित हुए ज्यादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री को सुनना चाहेंगे। मैं बहुत सूक्ष्म में इस पूरी व्यवस्था के बारे में बता दूं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का कल दौरा है। तो सीएम कल कृषि महाविद्यालय का करेंगे उद्घाटन और तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। और आपको बता दें, डीएम और एसपी ने लिया है सुरक्षा का जायजा। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आपको बता दें, कल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का दौरा है लखीमपुर खीरी का, और इसको लेकर के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ साथ डीएम एसपी ने दौरा किया है और जायजा भी लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, डीएम और एसपी ने चप्पे चप्पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो जायजा लिया है। कल सीएम योगी का दौरा है, महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी सीएम के साथ रहेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शासन प्रशासन कल सजग सीएम योगी के दौरे को लेकर के। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता दें, कल है लखीमपुर खीरी का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो कृषि महाविद्यालय का करेंगे उद्घाटन और उसके चलते कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।